गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर चैप्टर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था, जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिससे आपका कोलाइड का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो, हमने क्या देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में, हमने क्या देखा था कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर आपके दो टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन और कोलाइडल आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है कि आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम दूसरी देखें तो मैंने आपको कहा था बेटा, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर, बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है। और मैंने आपको कहा था ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उनसे बड़े होते हैं, बट जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं। तो इनको आप इजीली देख सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये इतने भी ज्यादा छोटे नहीं होते कि देखे नहीं जा सके जैसे ट्रू सॉल्यूशन, बट इतने भी ज्यादा बड़े नहीं होते जैसे सस्पेंशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्योंकि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दैट मींस आपका क्या होगा, इसमें दो फेस है, पहली डिस्पर्शन मीडियम और दूसरी डिस्पर्स फेस। डिस्पर्शन मीडियम जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को, या मैं कहूँ पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो, जो आपकी ज्यादा क्वांटिटी में होती है वो आपका क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। और जिसको डिसॉल्व कर रहे हो, जो कि आपकी कम क्वांटिटी में है, वो आपका है डिस्पर्स फेस। यानी कि हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेस होते हैं, दैट मींस कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू फेस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, तो देखो बेटा, आपके जो पार्टिकल्स हैं, क्या है आपके पार्टिकल्स के साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर है। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है बट सस्पेंशन से छोटा होता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन को जब आप पास करते हो फिल्टर पेपर से, तो आपने देखा होगा कि आपके फिल्टर पेपर पे सॉल्यूट पार्टिकल्स तो फिल्टर पेपर पे जमा हो जाते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज ज्यादा होता है और आपका क्लियर लिक्विड नीचे आ जाता है। ठीक है, आप इजीली सस्पेंशन को थ्रू फिल्टर पेपर सेपरेट आउट कर सकते हो, बट इस केस में, कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में, हम उसे फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, या मैं कहूँ फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप सेपरेट आउट उसको नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा होता कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, तो वो फिल्टर पेपर के पोर से पास नहीं हो पाते, बट उनसे छोटा है इसीलिए ये इजीली फिल्टर पेपर, या आपका फिल्टर पेपर का हमने सेटअप जो किया था, फ्लास्क किया था, ठीक है, तो इसमें जो हमने फिल्टर पेपर लगाया था उसके पोर से इजीली जो है इसका सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इजीली पास हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज देयर साइज इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब बेटा, मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं स्टेबल होते हैं, जैसे कि हमने मिल्क का एग्जांपल लिया था, मिल्क आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे आप उसको रख दो, मतलब थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, उसके पार्टिकल सेटल होने स्टार्ट नहीं होंगे, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, स्टेबल होता है, उसमें पार्टिकल जैसे सस्पेंडेड है उसी फॉर्म में रहेंगे, वो धीरे धीरे सेटल डाउन नहीं होते हैं, जैसे आपने सस्पेंशन में देखा था। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए जैसे ही आप उसको घोलना बंद करते हो और रख देते हो थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब, तो पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ऊपर आपका लिक्विड फेस रह जाता है और नीचे आपके सॉलिड फेस के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन आपका स्टेबल होता है, इसलिए ये ऐसी सेपरेशन नहीं होती। अब वो स्टेबल होता क्यों है, क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में होता है चार्ज, पूरे जो सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल में एक ही चार्ज होता है। तो सपोज मान लो, हमने मान लिया कि आपका जो मिल्क पार्टिकल है, मिल्क सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब आपके पॉजिटिवली चार्ज है, सारे पार्टिकल्स ही पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो ये आपका कंटेनर है, इसमें सारे पार्टिकल्स ऐसे
ठीक है, आपको पता भी होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पहले कि लाइक चार्ज जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट शो करेंगे, बट दोनों ही पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्शन होगी। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्शन होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सारे जितने भी सोल्यूशन में पार्टिकल है सेम चार्ज है इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और सेम चार्ज वाले क्या करते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, साथ के साथ कंटिन्यूअसली मोशन शो कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं और मोशन भी शो कर रहे हैं, इधर उधर रैंडमली मोशन कर रहे हैं। दैट मींस ये कभी भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ये सॉल्यूशन में ही रह के मोशन शो करते रहते हैं और एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। तो आप कह सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और उनके ऊपर क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन डिस्पर्शन मीडियम। हमें पता है कोलाइडल सॉल्यूशन आपका कब बनता है, जब आप डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेज मिलाते हो तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं या सस्पेंडेड हो जाते हैं डिस्पर्शन मीडियम में, ठीक है। दैट इज दे डू नॉट सेटल डाउन। क्यों सेटल डाउन नहीं होते, बिकॉज दे कैरी चार्ज, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, एक दूसरे से दूर होते रहते, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, इसीलिए वो सेटल डाउन नहीं होते। यही डिफरेंस है आपका सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। सस्पेंशन में क्या है आपका, पार्टिकल्स में चार्ज नहीं होता इसलिए वो इजिली नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स में चार्ज होता है इसलिए वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, पॉजिटिवली कुछ कोलाइडल हैं जो कि आपका है, ये देखो FeOH होल थ्राइस, OH ग्रुप आपका होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो Fe आपका क्या है, आयरन, हम उसको फेरिक भी बोलते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जांपल है आपके बेटा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स के। नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स की बात करें तो स्टार्च जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होता है। स्टार्च का अगर आप वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हो तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बनेगा, ठीक है। दूसरा आपका है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका कहां प्रेजेंट होता है, ब्लड में, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अब हम देखते हैं आपकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन की, जिनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखो तो बेटा, अगर हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी की आपकी बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज ब्राउनियन मोशन। आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ही ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या है, क्या ये ब्राउन कलर का होता है, नहीं। ये जो मोशन है बेटा, पहली बार आपके रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, या मैं कहूँ पहली बार रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने इस मोशन को ऑब्जर्व किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑब्जर्व दिस मोशन। अब ये मोशन होता क्या है, जब आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाते हो, ठीक है, तो जहां से लाइट आ रही होती है आपकी, मान लो आपकी विंडो से, यहाँ की कोई विंडो है, विंडो से ऐसे आपकी लाइट आ रही होती है, ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे दिख रही होती लाइट, तो आप देखते हो उस लाइट में होता क्या है, आप देख सकते हो इजिली कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इजिली क्या करते रहते हैं, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल ऐसे दिखते रहते हैं और इजिली यहां से वहां आपको ऐसे मूव करते हुए दिखेंगे। यही पार्टिकल्स का जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, यानी कि जब पार्टिकल्स आपके जिगजैग मोशन शो करे, जब उनके ऊपर सन रेज पड़ रही हो, उस मोशन को हम कहेंगे ब्राउनियन मोशन। तो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑब्जर्व दिस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जैसे कि कब हम देख सकते हैं इस ब्राउनियन मोशन को, फॉर एग्जाम्पल जब डस्ट पार्टिकल मूव करते हैं जिगजैग मैनर में, कब मूव करते हैं, जब उनके ऊपर बीम ऑफ लाइट पास होती है, ठीक है। जैसे ही बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स पे पड़ती है तो पार्टिकल्स आपको इजीली ब्राउनियन मोशन करते हुए दिखते हैं। तो सेम जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इसी टाइप का ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल जो है वो ब्राउनियन मोशन की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेटा आपका क्या होता है कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स है, जब आप उनसे कोई लाइट को पास करोगे, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन है आपका कोई, जब उससे आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो पार्टिकल्स का साइज क्या है, बड़ा है ट्रू सॉल्यूशन से, इसीलिए पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस लाइट को स्कैटर्ड कर
देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो इजीली आपको दिखेगा कि जो लाइट आपने पास किया है उसका पाथ कहाँ जा रहा है, उसका रास्ता कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दो सोल्यूशन लेती हूँ, पहला मैं लेती हूँ ये आपका ट्रू सोल्यूशन है जो कि क्लियर सोल्यूशन है, दूसरा अगर मैं आपका यहाँ लेती हूँ मिल्क ले लेती हूँ, ठीक है ये ट्रू सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं यहां से आपकी टॉर्च लेती हूं, टॉर्च की हेल्प से अगर मैं यहां से लाइट पास करती हूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि लाइट जो है इससे पास होके यहां आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, इस सोल्यूशन से पास होके नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हालांकि ये है ट्रू सोल्यूशन, देनी चाहिए बट नहीं देगी, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो पार्टिकल्स में लाइट को स्कैटरिंग करने की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते। बट अगर मैं यहाँ पे टॉर्च लगा के, यहाँ मान लो मैंने टॉर्च यहाँ लगाई है, ठीक है, इसके लिए यहाँ टॉर्च लगाई है और यहाँ से जब मैं पास करती हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो आप देखोगे कि आपको लाइट जो है स्कैटर्ड होके इस तरफ दिख रही है, सॉल्यूशन से पास होती हुई दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है जो कि आपके क्या है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से साइज बड़ा है, तो इसी जैसे ही उनसे लाइट, बीम ऑफ लाइट पास होती है, तो ये पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपको यहाँ दिखती है। तो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है आपके टिंडल इफेक्ट शो, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, तो ट्रू सॉल्यूशन आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बट कोलाइडल सॉल्यूशन आपके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो देखो बेटा हम क्या कह सकते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट हमने क्या देखा कि जब आपकी बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड होती है किसके वजह से, पार्टिकल्स की वजह से, जो कि पार्टिकल यहाँ पे इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स है, बाय द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन एज इट पास थ्रू इट, यानी कि जब भी आप लाइट पास करते हो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो वो लाइट जो है स्कैटर्ड होती है किसके वजह से, जो इस सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्स पार्टिकल है, वो क्या करेंगे इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे या स्कैटर्ड करेंगे, इसीलिए आप लाइट का पाथ इजिली देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एक्टिविटी यहाँ बताई वही लिखी हुई है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास करोगे, देन द पाथ बिकम विजिबल व्हाइल पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, पाथ आपको विजिबल होगा इस लाइट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ इस तरफ स्कैटर्ड कर रहे हैं, तो इजिली आपको ऐसा लंबा पाथ देखा जाएगा, बट ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं देखा जाता। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि ये जो आप एक्टिविटी करो अपने घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, बट ये एक्टिविटी रूम टेम्परेचर आपको डार्क रूम में ही करनी है, क्योंकि डार्क रूम में ही आप लाइट देख सकते हो कि आपकी सॉल्यूशन के थ्रू लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही, लाइट होगी तो वहां आपको ये इफेक्ट नहीं कम दिखाई देगा या आप इजिली विजिबल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।